लड़की बिठू रहा है कितना पैसा फ्लैट देखने जाऊंगा सामने जो बिल्डिंग कल दिखाई ना कल ब्लॉग में सेम वही टेस्ट है बाकी कल परसों जब मर्जी आना बिंदास होके ले जाना जितने चाहिए हो शादी हो गई देखो ये गद्दे दिए आपने यहाँ पर छेद ही हो गया पेमेंट आ गई भैया आपके पास जो आप खिलाओगे ना वही खाऊंगा आज की आलू की पराठे अचार है और वही चाय है आलू पराठा सामने ये ढूंढ ढूंढ तो दिख रहा है ना थोड़ा आगे से तो ये जो है ना ये फोग नहीं है ये है ना पोल्यूशन है तो सिटी में और अपने हिमाचल में यही फर्क है देखो ये पोल्यूशन इतना ज्यादा है यहाँ पर यहाँ देखो इधर देख लो चाहे उधर देख लो किधर भी देख लो आप तो सूरज देखो निकल गया है वो भी देखो क्लियर नजर नहीं आ रहा हिमाचल जो है ना अपना वो इस मामले में जो है वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है मतलब एकदम जन्नत सी लगती है पालमपुर तो भाई साहब जन्नत है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पर काम कर रहे लोग तो जा जाते हैं तो इसलिए ये भी रीज़न है बट हर जगह की अपनी अपनी वैल्यू होती है तो एनीवे तो आज है मंडे सेकेंड वीक चल पड़ा है और आज फिर से जाना ऑफिस तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग नहीं आलू के पराठे हैं अचार है और वही चाय अगेन तो फटाफट से मैं ये ब्रेकफास्ट करता हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे अचार के साथ और ये आ गई चाय कितना पैसा चाहिए जितना तो हमारे कृष्णा भैया कह रहे हैं जितना पैसे दे सकते हैं उतना दे दो बात करते हैं चौहान साहब से इस बारे में चौहान साहब से बात करेंगे चौहान कौन आजाद चौहान नहीं ये मकान मालिक चौहान है वाह भाई हमारे वहाँ के तो नहीं है अपने हिमाचल के तो नहीं है चौहान साहब यही का चौहान है लोकल गुज्जर अच्छा गुज्जर है चौहान साहब तो वैसे देंगे नहीं अगर उनको किराया मिलता तो वो क्यों देंगे लेकिन ऐसी कोठी हम दूसरी देख लेंगे यहाँ पर प्लॉट देख लेंगे प्लॉट खाली पड़ा हुआ है प्लॉट तो बहुत प्लॉट देख लेंगे फिलहाल मैं फ्लैट देखने के देख रहा हूँ मौका मिलेगा तो मैं फ्लैट देखने जाऊंगा सामने जो बिल्डिंग कल दिखाई थी ना कल के लोग में उस बिल्डिंग फ्लैट देखने रहा हूँ तो फिलहाल आप आए हैं तो इनको नाराज नहीं करेंगे अब इनको देते पैसे ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं पांच दिन के दिए थे आपको 5 दिन की और दे रहा हूँ बाकी कल परसों जब मर्जी आना बिंदास होके ले जाना जितने चाहिए हो तो पेमेंट आ गई भैया आपके पास हाँ जी आ गया पूरी आ गई ये देखो ये गद्दे दिए आपने यहाँ पर छेद ही हो गया ये देखो क्या करोगे अब इसका बताओ चेंज करते हैं गद्दा तो आज फिर सेकंड वीक स्टार्ट हो गया ऑफिस का और राहुल भी आ गया था राहुल आफ्टरनून में आ गया था मैं सो रहा था तब राहुल आया और फिर अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके हम फिर ऑफिस के लिए निकल गए हैं तो आज फिर से ऑफिस के ब्लॉग चालू हो जाएंगे ऑफिस के थोड़े आउटसाइड के ब्लॉग चालू हो जाएंगे और जल्दी दोस्तों ब्लॉग्स आने वाला है ये पीछे जो आपको मैं फ्लैट्स दिखाता हूँ ना रोज उसका आने वाला है क्या सीन है क्या रेंट है क्या प्राइस है डीलर को पकड़ेंगे और फिर मस्त सब ब्लॉग बनाएंगे उसका भी पूरी जानकारी देंगे आपको कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में कैसे कैसे कितने के फ्लैट होते हैं क्या सीन होता है थोड़ा सा ब्रेक काम करने के बाद हमने ब्रेक ले लिया है और आज का स्पेशल ये है कि कोमल लाई है छोले भटूरे ये कोमल हमारी छोले भटूरे लेके आई हैं और छोले भटूरे कहाँ के हैं राधेश्याम पाड़गंज पाड़गंज गए थे लेने ब्रांच होगी ना उसकी पाड़गंज में तो वो सीताराम है ये देखो राधेश्याम छोले भटूरे लस्सी राजमा चावल और सब मिलता है ये इनकी ब्रांच सेक्टर 18 में वहाँ से ये कोमल हमारे लिए लेके आई है और इसका टेस्ट करेंगे और फिर आपको टेस्ट बताएंगे कैसा है संतोष आज नहीं है संतोष आज लीव पे है बट अच्छी चीज़ हो रही है ऑफिस में आके बढ़िया बढ़िया उस दिन राहुल लेके आया था ये ना राहुल उस दिन राहुल कचौड़ी लेके आया था टिक्की वाले गए मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है भैया लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तबीयत खराब ना हो जाए मेरी तो मैं तो होटल का सुबह 5 पराठे ले बैठ गया ब्रेकफास्ट में तो खोलते हैं अबे ये क्या इसमें एक ही भटूरा है एक ही भटूरा देते हैं है राहुल भाई मुझे भी नहीं लगा मुझे भी लगा था दो तो होंगे भाई विवाह एक भटूरा इसमें आपके कितने हैं यार आई वाज वेटिंग फॉर 4 अरे 4 तो नहीं यार दो तो होते ही हैं हां यार सीताराम के उसमें भी दो होते हैं यार कोमल को भूख लग गई है इसने आज खुलते ही शुरू कर और है भी छोटा ये कोमल कह रही है छोटा है ये देखो कोमल का छोटा अगर बड़ा होता तो भी देखता जो भी है टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा टेस्ट है अद्भुत अप्रतिम बहुत बढ़िया सुपर है आधे टाइम बात नहीं करती है अब मैं भी टेस्ट करूं सब कह रहे हैं मस्त है मैं भाई टेस्ट करने गया अच्छा है ऑयली ज्यादा है इसमें एक ही है सीताराम के खाए हुए ना सीताराम के जैसा ये टेस्ट ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा सेम वही टेस्ट है सीताराम में ये है वो 2 भटूरे है ये 1 भटूरा है सीताराम की प्लेट जो है जो
लास्ट टाइम में मेरे को याद ही नहीं कितने की, 100 से ऊपर की थी। ये कितने की है? 70। तो 70 रुपीज़ की है और वो 150 की है, 150 की हो गई होगी अब तक, तो बात एक ही है। तो सही है, टेस्ट है, तो अभी फटाफट फिनिश करते हैं। क्या खिला रहे हो आज? जो आप बोलोगे वही खाऊंगा। बताओ क्या खिला रहे हो? बताओ, आप बोलो। शादी हो गई? हाँ तो फिर तो खिला, फिर मैं भी शादी, तो मैरिड मैरिड है। आप बताओ, जो आप खिलाओगे ना वही खाऊंगा आज। अपनी पसंद का कुछ भी बताओ। हाँ, आपके दिल की बात करते हैं लोग। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। फ्राइड राइस खा लीजिए और चाउमिन खा लीजिए। चलो फ्राइड राइस तो भाई ने ले लिए, आप चाउमिन बना दो। चलो हाफ बनाओ, हाफ। हाँ तो अभी चाउमिन ऑर्डर की है मैंने भैया के पसंद की। भैया को मैंने बोला जो आपको पसंद है वही खाऊंगा। भैया ने मेरे को दो ऑप्शन दिए, फ्राइड राइस। एक फ्राइड राइस मैंने खाए थे फ्राइडे को, संजीव ने फ्राइड राइस ले ली, तो मैंने चाउमिन वेज। नॉन वेज नहीं ले रहा क्योंकि लास्ट टाइम लिया था मैंने वो फ्राइड राइस, तो किसी ने खाई नहीं, तो आज वेज। आप क्या ले रहे हो? आलू पराठा। चलो, क्या नाम क्या आपका? वासुदेव जी। हमारे वासुदेव जी, ये हो कृष्णा जी आपके घर पे। ये हमारे प्यारे वासुदेव जी कोमल के लिए पराठा बना रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए चाउमिन आप ही बनाओगे? अरे वो दिल तोड़ दिया आपने फिर मेरा। चाउमिन बना लेना, भैया की पसंद का खा रहा हूँ मैं, आपके वासुदेव भैया जी के। ठीक है, अभी अभी रूम पे पहुंचे हैं। डिनर करने के बाद थोड़ा कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो उसके बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया बनाने का। कभी कभी होता है जैसे अचानक काम आ जाता है, क्लाइंट आ रहा था, उसमें कोई डेटा जो है वो प्रिपेयर करना था, उसके चक्कर में बिजी हो गया था। तो उसके बाद सीधा आप घर पहुंचे हैं, और घर पहुंच के आज टायर्ड भी थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।